निशा मेरी जात जरा बे निशा। औरत मुआशरे का वो नागुजीर अंसर है जिसकी गोद कौमों की परवरिश करती है, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में औरत की मजलूमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शहर की तालीम याफ्ता औरत के मुकाबले में एक देहात में बसने वाली औरत को कानूनी, मुआशी और माशरती सहूलियात मयसर नहीं। देहात में बसने वाली खवातीन आज भी दौरे जाहिलियत के रस्म व रिवाज में जकड़ी हुई हैं। देही इलाकों में बेशतर खवातीन खेती बाड़ी समेत दीगर कामों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। सारे दिन घर का काम करते हैं, पट्टे भी गाय को डालते हैं, हर काम मैंने चार बोरा काटना, सब घर का काम करना, खेती बाड़ी भी करनी है, पैसे भी संभालने हैं, सारे काम करते हैं। भैंसों को चारा डालती हमीदा गुज़िश्ता 25 बरसों से सुबह फजर की अजान के साथ उठती है और सोने तक उसने न सिर्फ घर के तमाम काम खुद करना होते हैं बल्कि मवेशियों की देखभाल, दूध धोना, उपले थापना और दीगर कामों का बोझ भी उसी के कंधों पर होता है। हालात का मर्दाना वार मुकाबला करने वाली हमीदा का किरदार बिलाशुबा काबिले सताइश है। दूध भी चोली दा है, पट्ठे भी पा ली देने कुतर के आप ही, पानी भी पिया ली दा है, छावे धुप्पे छावे भी बन ली देने, नुआ भी ले दे, डंगर छड भी ले देने चारन वास्ते, मतलब सारे ही। मेरी जात जरा बेनिशा, मेरी जात जरा बेनिशा। तरक्की पजीर ममालिक में खवातीन आज भी न सिर्फ अपने बुनियादी हकूक से महरूम हैं बल्कि वो जहनी और जिस्मानी तशद्दुद और दबाव का शिकार भी हैं, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि आलमी सतह पर नाख्वानदा आबादी का 70% खवातीन पर मुश्तमिल है। देहाती खवातीन के आलमी दिन का बुनियादी मकसद न सिर्फ खवातीन को उनकी बुनियादी हकूक के बारे में आगही देना बल्कि उनकी माशरती अहमियत को भी उजागर करना है। हमीदा जैसी लाखों खवातीन अपनी मिट्टी से तो इंसाफ कर रही हैं, लेकिन आगही ना होने की वजह से अपने हकूक से महरूम जिंदगी गुजार रही हैं। निगार खुर्रम, आज न्यूज़, लाहौर।